find the moment of inertia of a hemisphere as shown below about its axis if its mass is m and radius is r. This is the hemisphere, right? इस हेमिस्फीयर का मास कितना है? मास ऑफ हेमिस्फीयर इज m, मास ऑफ हेमिस्फीयर इज m एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज r. दिस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज r. अब देखिए इसी का मास कैपिटल m दिया हुआ है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता तो इसका मास कितना हो जाता? 2m, राइट? अतः हम लिखते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कि i मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसका. तब उस समय हम यही लिखते कि इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाता है आई इज इक्वल टू कितना? 2/5 एम आर स्क्वायर. और जब ये कंप्लीट होता तो इसका मास कितना हो जाता? 2m इंटू आर स्क्वायर, राइट? लेकिन जब ये हाफ ही है तो क्या करेंगे हम? जब एक पार्ट का निकालना चाहेंगे, केवल हम इसी पार्ट का निकालना चाहेंगे, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? इंटू हाफ कर देंगे, टू से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हिसाब से आप कर दिया तो दिस इज 2/5 एम आर स्क्वायर. अब आप ये कहेंगे कि इसका भी 2/5 एम आर स्क्वायर और फुल स्फीयर का भी 2/5 एम आर स्क्वायर. तो देखिए यहां पर एम दिया हुआ है, एम इज मास ऑफ दिस हेमिस्फीयर, राइट? अगर टोटल स्फीयर लेते तो उसका मास 2m हो जाता, राइट? तो इसलिए ये फॉर्मूला सही. यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला जैसा कि हमने आपको बताया कि हम अगर पार्ट और सेक्शन लेते हैं एंड इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी डजंट चेंज देन द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल नॉट बी चेंज. और इस टेक्निक को हम लोग यूज कर सकते हैं.